इंशाल्लाह आज करने वाला हूँ मैं चेस्ट वर्कआउट और मेरे भाई रफीक के साथ। यही रहता, देखो डाइट में रहता, लाइट लेके बेटा उड़ जाते। ऐप्स की बात चल रही है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऐप्स कुछ भी। इधर 2 मंथ्स तो सडन हाथ मेरा था, रिस्ट टर्न हो गई, मुड़ गई। जब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा। 30 सेकेंड्स में 1.5 करोड़ कमा लेना, 20 दिन में पैसा डबल। तो लोकेश भाई एक बार क्या इधर देखो आप मिरर में, ये मेरा डोला है, आपका डोला दिखो। करो क्योंकि मेरे को कॉल आया, भाई जल्दी आओ, आपके दही बड़े सैफ भाई का कॉल आया सॉरी गर्लफ्रेंड का नहीं, वैसे है भी नहीं, तो गर्लफ्रेंड सॉरी सैफ भाई का कॉल आया था। मन में पूरा वही, ये हमारे रफीक पलान बोलते हैं, मिनी एंड्रयू टेट। सो हाय गाइस, होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। आप लोग भी थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, इन्हें दो दिन को एक वीडियो डाल रहा बोल के। सो यहाँ से अपडेट रहेंगे बोला था ना, सो वही अपडेट है। और इंशाल्लाह आज करने वाला हूँ मैं चेस्ट वर्कआउट और मेरे भाई रफीक के साथ, क्योंकि प्रेप नहीं चल रही, खाली आ रहे वर्कआउट कर रहे। सो ज़्यादा इंटेंस भी नहीं हो रही वर्कआउट, और डेली वर्कआउट हो रही रात में, और अब बज रहे 1 रात के, और मौसम तो गर्म नहीं है, सूरज नहीं है ना। सो इसके अंदर मैं डालता हूँ BCAA, जो कि रिकवरी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इंशाल्लाह एक चीज़ का मैं प्लान कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये वीडियो बाद में आएगी, वो पहले आएगी। सो इंशाल्लाह उसका व्लॉग डालूँगा, एक सरप्राइज़ है। और स्टार्ट करते हैं वीडियो, ऐड कर लेता हूँ BCAA, फिर वार्म अप करके स्टार्ट करते हैं। चलो रहता, देखो डाइट में रहता, लाइट लेके बेटा उड़ जाते। अब 35 को कितने रह पाते कि 35 को देखेंगे, 40 आता था लेकिन अब 35 मार रहा हूँ मैं, जीते रह पाए देखेंगे। लाइट Out. Whew. Oh. फोर रेप्स आए, हालांकि ईजिली 8 रेप्स आते थे, लेकिन फिर ऑन सीजन होते ही आ जाते वो। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जब भी आप लोग हैवी लिफ्ट करें तो पीछे कोई सपोर्टर को रखो, नहीं तो इंजरीज बहुत ज़्यादा हो जाते। चलो नेक्स्ट सेट मारेंगे, नेक्स्ट सिचुएशन। सुपर सेट कर रहे भाई, फ्लैट इंक्लाइन बेंच मार रहे हम लोग स्मिथ मशीन पे, साथ में ऐसो पेक डेक मार रहे, क्योंकि तीन जने कर रहे हम लोग वर्कआउट तो बहुत देर हो जाती, इसलिए ऑल्टरनेट कर रहे। सो अभी ये मानना है इंक्लाइन बेंच स्मिथ मशीन पर, क्योंकि यहाँ की बेंच में रॉड निकालना, अनरैक, रीरैक, रैक करने, अनरैक करने में बहुत मुश्किल होता है,
उस वजह से स्मिथ पे मारता हूँ मैं यहाँ फुल कॉन्ट्रैक्शन। तो मेरे ऐप 1.25 साल के आ गए थे, अब 21 साल के हैं। क्या घूर रहे हैं यहाँ? ऐप्स की बात चल रही है यहाँ पे? नहीं है यहाँ पे ऐप्स कुछ भी। इधर 2 months बॉडी बहुत बहुत ज्यादा पेन हो रही। चलो कम ऑन, दिल्ली प्रो शो है जून में और इंशाल्लाह वो इवेंट में रहूँगा। मैं भी आना सोचा, कंपीट नहीं बस इवेंट में रहूँगा। नरेश सूर्या क्लासिक में भी वहाँ भी रहूँगा, लेकिन उतना श्योर नहीं हो, लेकिन 16, 17, 18 तो दिल्ली में रहूँगा, क्योंकि पूरे प्रो एथलीट्स आ रहे हैं। और आपका फेवरेट एथलीट वो ने कमेंट करके बोलो, ज़रा कमेंट करो मुझे। अभी करने वाला हूँ मैं 4th variation मशीन पे चेस्ट प्रेस मारने वाला हूँ। उसके बाद मैं लोअर केबल मार के 5 variations करके कंप्लीट कर देता हूँ और ट्राइसेप कर दूँ। ट्राइसेप के मैं भी 3 to 4 variations करूँगा और ज़्यादा अपर पे फोकस कर रहा हूँ, मिडिल एंड अपर, और क्योंकि अपर पार्ट बहुत ही ज़्यादा वीक है इसीलिए। परसों थोड़े दिन पहले क्या हुआ, मैं जिम में ऐसे ही खड़े खड़े आते रहता ना, थोड़ा माइकल जैक्सन चूसली ब्रूसली सब, तो पंचिंग बैग पे पंच करूँ था, ऐसी पंचिंग करूँ था, तो सडन हाथ मेरा था रिस्ट टर्न हो गई, मुड़ गई। जब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, लिफ्टिंग करूँ जब तो उसके नेक्स्ट वीक तो करने ही नहीं आ रहा था, ऐसा पकड़ने ही नहीं आ रहा था कुछ सा भी रॉड। फिर भी अब थोड़ा रिकवर हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत है अभी भी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर हो जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कुछ भी फ्रैक्चर या एक्सीडेंट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लोगों के बहुत कुछ होते रहते हैं भाई। तो अभी ये लास्ट वेरिएशन है चेस्ट का लोअर केबल, इसके बाद मैं ट्राइसेप मारूंगा और इसके 3 या 4 सेट मारूंगा। अमेजिंग पार्ट ये है कि आज जिम में हमारे नदीम भाई अभी स्कीम बतलाए, 5 मिनट में ना भाई, 30 सेकेंड्स में 1.5 करोड़ कमा लेना, ठीक है ना? तो 21 दिन में पैसा डबल। ओवरहेड एक्सटेंशन मारना है, ट्राइसेप वर्कआउट कर रहा हूँ, 3 variation करता हूँ। एक ओवरहेड एक्सटेंशन मारता हूँ, उसके बाद में पुश डाउन मारूंगा, उसके बाद मशीन पे प्रेस करूँगा। पीछे बोल्डिंग चल रही बेहतरीन, खैरियत। वैसे मेरे भाई
नहीं, मैं आप लोग को नहीं कर रहा हूँ, लोकेश भाई को कर रहा हूँ। पीछे लाइव वीडियो चल रही है। आपका डोला दिखो। मेरा डोला मिया यार डोला। तो अभी थर्ड सेट करो, उसके बाद में मेरे को 2:30 को जाना है 2:20 और एवरी गेम। अभी मैं मार रहा हूँ रोप, सॉरी पुश डाउन मार रहा हूँ ये ग्रिप पर। उसके बाद मैं मशीन प्रेस मारूंगा, यानी कि बहुत जगह नहीं होती है सीटेड प्रेस। आप लोग क्या कर सकते हो इसकी बजाय, किकबैक मार सकते हो, वो भी सेम होता है। तो अभी ये मार रहा हूँ, 3 सेट मारूंगा इसको, और बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं लॉन्ग हिट पर। अभी तो नॉर्मली मार रहा हूँ। लास्ट वर्कआउट में मैं क्या कर रहा था, स्कल क्रशर्स एंड ऑल, ज़्यादा लॉन्ग हिट पर फोकस करा, क्योंकि वीक है ये मेरा लॉन्ग हिट, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में, नेक्स्ट प्रेप में अच्छे से अच्छा फॉर्म लाना है। स्टोरी नेवर ऑन सा खड़के आप सुन रहे। उबैद भाई की वर्कआउट, उबैद भाई का डाइट बोले तो मेरे को, मैं जल्दी जल्दी वर्कआउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कॉल आया, उबैद जल्दी आओ, आपके दही बड़े सैफ भाई का कॉल आया, सॉरी सैफ भाई का कॉल आया, सॉरी गर्लफ्रेंड का नहीं, वैसे हैवी नहीं, तो गर्लफ्रेंड सॉरी सैफ भाई का कॉल आया था, सैफ भाई का कॉल आया था, तो दही बड़े रखे हुए जल्दी आके खा लो बोल के बोले, उन्होंने ठंडे हो जाते बोल के, इसलिए ज़रा जल्दी जल्दी वो कटता। नहीं भाई ज़रा थोड़ा गर्म भी रहता तो उन्हें बाद में ठंडा हो जाता, सो गर्म था अब ठंडा हो गया। टाइम देखो 2:21 हो रहे, 2:30 तक ये कंप्लीट करके निकल जाना है ख़त्म। 2:30 से पहले, 2:30 तक मैं, 2:30 तक वहाँ आ रूँ बोला। मल्टीटास्किंग नहीं, वो मेरा प्राइवेट अकाउंट है, वो ऑफिशियल अकाउंट मेरा प्राइवेट अकाउंट, आप जो लोग को पता नहीं है, मैं एक बार बोल रहा हूँ, स्पीड में बोलता हूँ, आप लोग सर्च करके देखेंगे कितने लोग का मेंशन, कितने लोगों के फॉलो रिक्वेस्ट आते हैं। सो मेरा प्राइवेट अकाउंट का यूजर नेम है एनोनिमस KO3। सो अभी लास्ट वेरिएशन चल रहा है और प्रेस मारकर ख़त्म, उसके बाद जाना है दही बड़े खाने। इसी के साथ आज की वर्कआउट होती है ख़त्म, और कर लिए चेस्ट वर्कआउट, चेस्ट एंड ट्राइसेप। एंड गाइस जिसको भी मैं, जैसा मैं बोला, जो भी स्किनी है, जैसा हमारे लोकेश भाई, अगर आप लोग के भी ऐसे कोई दोस्त है तो उन लोगों को भी टैग करो वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और कमेंट करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीछे देखो इन लोगों, पीछे देखो भाई, ये हमारे रफीक पलान बोलते हैं, मिनी एंड्रयू टेट। भैया एंड्रयू टेट कैसे चलते हैं? वालेकुम अस्सलाम भाई, कट हो गया वीडियो हो गई, अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। इतने पैसा में इतना ही चाहता।